शाम के 5 बज चुके हैं और आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आज दिन में क्या कुछ खास रहा। और सबसे पहले बात जीतन राम मांझी की। दरअसल एनडीए में जिस तरीके से खबरें आ रही थी, टकराव की बातें सामने आ रही थी और उसके बाद अब अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल आज हम प्रमुख की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में ये बातें सामने आई है कि वो बैठक में जो बोल रहे थे, इस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि वो एनडीए से दूर नहीं जाएंगे, वो एनडीए में ही रहेंगे लेकिन उनकी आवाजें जो होंगी वो बुलंद रहेंगी। कोरोना के इस काल में जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जब वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट की बात करें या फिर जब प्रदेश में पहली बार लॉकडाउन की चर्चाएं चल रही थी, तो लॉकडाउन को लेकर के उन्होंने एनडीए सरकार या फिर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्होंने अपनी मांगे रख दी थी। उसके बाद ऐसी कई तस्वीरें उभर करके सामने आई जब वो अपनी मांगों को लेकर या फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो अपने मैनिफेस्टो यानी कि हम के जो मैनिफेस्टो थे उसमें जो दावे किए थे और वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, तब उन्होंने अपने सुर को तेज किए थे। और ऐसे में अब एक बार फिर से उस बातों पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जीतन राम मांझी जो होंगे वो पार्टी यानी कि एनडीए को छोड़ करके अलग हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब महागठबंधन में थे तब भी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जो कि एनडीए को लीड कर रहे थे उनके भी कई बातों का उन्होंने विरोध किया था। और अब वो जब एनडीए में हैं तब वो खुद एनडीए के जो बड़े नेता हैं, और बड़े नेता क्या मुख्यमंत्री के बातों को भी वो दरकिनार कर या कह सकते हैं कि उनके जो तेवर थे वो विरोधियों वाले थे। और ऐसे में आज जब बैठक हुई तो ये बातें सामने आई है कि उन्होंने बैठक में जो कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें पार्टी विस्तार को लेकर के, पार्टी को मजबूत करने को लेकर के, कोरोना की इस विपदा में किस तरीके से जनता की सेवा की जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। तो बात ये भी उठा कि आखिर में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ चाहते हैं, वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो क्या कुछ चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि वो नहीं, एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर के दानिश रिजवान ने भी अपने बयान दिए थे और दानिश रिजवान ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के फैसले पर, नीतीश कुमार के विचारों पर किसी भी तरीके से सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। चलिए हम दानिश रिजवान को ही सुन लेते हैं पहले कि आखिर में दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों पर कहा है कि उनके कार्यों पर किसी भी तरीके का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिसमें प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं कि मुख्यमंत्री के फैसले पर कोई भी संदेह नहीं हो सकता है। हालांकि इस बैठक के बाद पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी बोला है और जिस तरीके से जो बातें हो रही थी हम उनको भी सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जब बैठक हुए, कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो प्रवक्ता है, प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके के जो अंदर खाने से जो बातें चल रही हैं उस पर सवाल हो रहा है। पिछले दिनों खुद हम प्रमुख जीतन राम मांझी और इसके साथ साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी भी थे, जब वो लोग साथ में मिले थे तब अटकलों का जो दौर था वो और बढ़ गया था, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। इन दोनों पार्टियों के ऊपर सरकार यानी कि एनडीए की सरकार जो बिहार में है उनकी सहभागिता जरूरी है। अगर वो हिलते हैं तो फिर सरकार की कुर्सी जो होगी वो कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, क्या होता है, लेकिन उससे पहले जरा सा ये सुनने की कोशिश करते हैं कि कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो हम प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है, हालांकि लॉकडाउन को लेकर के एक बार हम अपने सहयोगी अविनाश से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातें सामने आ रही है और किस तरीके से इस कोरोना के काल में जब एनडीए के बीच में जो स्थितियां साफ नहीं दिख रही, क्या लगता है अविनाश, आज जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं, एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उनके जो विचार हैं
कि उनके विचार वो सुर उनके कभी कम नहीं होंगे। देखिए जितना मांझी लगातार इस तरीके से जो भी कयास लगते रहे हों या जो भी बातें निकलकर सामने आती रही हो उसको कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश हर बार रही हो। देखिए जितन राम मांझी ने जब से अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई वो जब से लड़ रहे हैं इसमें कोई कोताही नहीं है। जितन राम मांझी को कहीं भी जाने से या किसी के साथ भी जुड़ने से, अब देखिए जब लालू प्रसाद यादव जब बाहर आए हैं और लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के बाद जब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में सरकार अब गिर सकती है, तो ये देखिए स्थितियां ये हैं कि इसमें दो ही पार्टी जो है वो सबसे पहले सामने आ रही है जो टूट सकती है। एक तो जीतन राम मांझी, जहां पहले भी हमने देखा है कि दल बदलने में या पार्टी बदलने में या यूं कहें कि जो गठबंधन होता है उसको बदलने में अपनी शर्त अगर मानी गई है या हमारी बातें जहां रखी जा रही हैं उस पर अगर बातचीत हो रही है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं दूसरे गठबंधन में या फिर हवा जिधर है उधर। देखिए इससे पहले ये कहावत जो रही है वो रामविलास पासवान जी को लेकर होती रही है कि वो हवा का रुख, मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, मौसम वैज्ञानिक और हवा का रुख जो है वो पकड़ने में वो माहिर व्यक्ति माने जाते रहे हैं, हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इस ढर्रे पर चल रहे हैं कि जब जैसा तब तैसा, भले अब जीतन राम मांझी का यह बयान आ रहा हो या फिर उनके प्रवक्ता ये कह रहे हो, लेकिन यही प्रवक्ता कल होके कहते थे नीतीश कुमार इस तरीके से हैं, वैसे करते हैं, ये हैं, इनके शासन में शराबबंदी फेल है वगैरह वगैरह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे बात मतलब सीधे आरोप लगता था। अब यही जीतन राम मांझी और इनके प्रवक्ता हैं, जब सरकार में है तो सरकार के सामने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन फिर से गर्माहट कहीं ना कहीं ये तेज है। और सिर्फ ये कह देने से कि नहीं मैं एनडीए में हूं और एनडीए में रहूंगा, इससे इस जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इससे विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। तो जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है, हालांकि बैठक के बाद क्या कुछ कहा हम पार्टी के जो प्रवक्ता है अमरिंदर ने, जरा उनको सुनते हैं। देखिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हो रही है। यह बैठक पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने आहूत किया है, जिसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचारों को रखा है और यह संगठन और बिहार की बेहतरी के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए हर बिंदु पर अभी मीटिंग चल ही रही है। तो बिल्कुल आपने सुन लिया, ये विराम की बातें कह रहे हैं लेकिन विराम लगता हुआ नहीं दिख रहा है, और इनकी बातों पर आखिर में कैसे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब महागठबंधन में थे तब भी इन्होंने वैसा ही कहा, वो एकजुट है महागठबंधन, एकजुट ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन चुनाव से पहले जब अटकलें जो तेज हुई थी, क्यों? क्योंकि उनको लगने लगा था कि अब पार्टी में महागठबंधन में उनकी ओहदे को कम किया जा रहा है, तो वो नाराज होकर के दूर हो गए और नीतीश कुमार से जुड़े और फिर एनडीए के सहयोगी बन गए। लेकिन चलिए, कोरोना के इस काल में जिस तरीके से राजनीति बदल रही है, राजनीति खबरों की बात लगातार सामने आ रही है, लेकिन क्या इस पर विराम लगेगा और अगर लगेगा तो कब तक? लेकिन इन सबके बीच में लालू प्रसाद यादव बाहर आ चुके हैं और राजनीति को पलटने की एक ताकत रखते हैं, एक मुद्दा रखते हैं, और ऐसे में अगर राजनीति पलट भी जाती है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल राजनीति है और राजनीति में जो आशंकाएं होती हैं वो कभी थमती नहीं है, वो लगातार चलती रहती हैं। लेकिन बात अगर इस स्थितियों के बीच में कोरोना काल की, कोरोना से बचाव को लेकर के प्रदेश में चौथे लॉकडाउन की आज पहली शुरुआत हुई है, यानी कि आज पहला दिन है चौथे लॉकडाउन का, और ऐसे में कई सारी स्थितियां जो हैं यानी कि छूट दी गई हैं। इस छूट में कुछ दुकानों को खोल दिया गया है जो कि सरकार के आदेशानुसार पहले से तय किए गए थे, अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए हैं, उसमें दुकानें खुली हैं। लेकिन जैसे ही आज छूट मिली सड़कों पर भीड़ दिखा। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ेंगे और उत्कर्ष ने आज खबरों को किया है, सड़कों पर आज काफी भीड़ दिखी, यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगर सरकार ने छूट दे दी है तो लापरवाही भी बढ़ गई है। जी हाँ निर्भय, अगर सरकार ने छूट दी है तो जनता की लापरवाही साफ तौर पर बढ़ गई है, क्योंकि जो समय रखा गया है निर्धारित समय सुबह 6 बजे से 2 बजे तक लोग बाहर निकल सकते हैं, वो भी वही लोग बाहर निकलेंगे जिनको
जरूरी काम है, अन्यथा वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। डीएम जो है पटना के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बाहर कहीं जाना है तो आपको ई पास लेना होगा। लेकिन अब जो लोग हैं, जो जनता है, वो भूल गई है, उन्हें लग रहा है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। क्योंकि जो सोमवार अल्टरनेट्स के दुकान जो खुले थे, आज बुधवार है, तो जो सोमवार को दुकान खुले थे वो सारे दुकान आज खुले हैं, जिसमें जो सलून है, कई इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है और बहुत सारे ऐसे दुकान है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, मोबाइल दुकान है, वो सारी दुकानें आज खुली हैं। तो जो दुकान मालिक है वो भी कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि एक तरफ जब 20 दिन 22 दिन तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद सड़कों का जो हाल रहा, स्टेशन की बात कर ले तो वहां पर भी काफी भीड़ है। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो दुकान छोटी दुकानें चलाते हैं, उन लोगों में भी जो खुशी थी वो जरूर नजर आई, क्योंकि अब एक अनलॉक की प्रक्रिया लोगों को लग रही है ऐसी कि हो चुकी है। बिल्कुल, अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह नहीं सकते उत्कर्ष की जिस तरीके से लोग लापरवाह दिख रहे हैं, और इस लापरवाही का मंजर अगर आगे बढ़ता गया तो फिर संक्रमण की जो रफ्तार हम अब 1000 के करीब पहुंच गए हैं, शायद वो बढ़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल निर्भय, जो हम 1000 के पास पहुंच गए हैं उसे 10000 होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पहले भी तस्वीरें देखी कि करीब 10 दिन के अंदर ही 1000 से 10000 हम लोग पहुंच गए थे। और अभी अनलॉक स्टार्ट हुआ है, कुछ रियायतें मिली हैं लोगों को बाहर निकलने की, कुछ हद तक छूट जरूर सरकार की तरफ से मिली है, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो राजधानी पटना हो या बिहार के कई इलाके हैं, वहां पर बहुत दिनों से नहीं हो रही है। लोग जो है, डर खत्म हो गया है लोगों में, और ऐसे में बच्चों में जो वैक्सीनेशन की बात कही जा रही थी वो भी अभी नहीं हो रही है। तो सजग रहना लोगों को काफी जरूरी है। लॉकडाउन में कुछ छूट जरूर मिली है, लेकिन लोगों को घर में रहना अनिवार्य है, बाहर निकलेंगे तो कोरोना के चपेट में जरूर आ सकते हैं। बिल्कुल, लोग कोरोना के चपेट में जरूर आ सकते हैं, और ऐसे में अगर वैक्सीनेशन की चर्चा कर ही दी उत्कर्ष ने, तो जरा सा वैक्सीनेशन पर भी बातें कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में 18 से लेकर के और बाकी उससे ऊपर, यानी कि 18 से लेकर के 44 साल के जो उम्र के लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, और इसको लेकर के अब स्वास्थ्य मंत्री ने आज अपने बयान दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने डीटीवी भारत संवाददाता निषेध से खास बातचीत की है, और इस बातचीत में उन्होंने कहा है कि कल से वैक्सीन लगेगा। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अब तक वैक्सीन की आपूर्ति थोड़ी धीमी पड़ गई थी और युवाओं को खास करके टीका नहीं लग पा रहा था, लेकिन कल से अब सभी को टीका लगेगा, कल वैक्सीन बिहार आ जाएगा, और जिस तरीके से पहले वैक्सीन लगाया जा रहा था उसी तरीके से दोबारा से वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर अभी केंद्र हम देखेंगे पटना के तो वो खाली पड़े हुए हैं, और खासकर युवाओं का जो टीकाकरण है वो इससे खासा प्रभावित हुआ है, और युवाओं की संख्या भी बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार के लिए भी चुनौती थी कि युवाओं को वक्त पे वैक्सीन किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि अगर युवाओं को वैक्सीन नहीं लगता है समय पे, जल्दी वैक्सीन बिहार में नहीं आता है, तो काफ़ी लंबा समय लगने वाला है युवाओं को वैक्सीन देने में, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये क्लियर कर दिया है कि कल बिहार में वैक्सीन आ जाएगा और कल से फिर से युवाओं को टीका लगना शुरू हो जाएगा, और जितने भी लोग हैं जिनको जब तक टीका नहीं लग पाया उनको जल्द से जल्द अब टीका लग जाएगा। बिल्कुल, जिन लोगों को अब तक टीका नहीं लगा है उनको जल्द से जल्द टीका लग जाएगा। लेकिन कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ प्रदेशवासी परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो भी परेशान कर रहा है। ऐसे में हालांकि सरकार ने इसको आपदा घोषित कर दिया है, और उसके बाद अब जो सुविधाएं हैं, जो भी इलाज है, सरकार की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के एक बातें सबसे अधिक सामने आई, वो बातें थी वैक्सीनेशन को लेकर के, यानी कि इस बीमारी के इलाज में वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है और उसका बेहतर जो है व्यवस्था जो है वो नहीं है। लेकिन ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी दावा किया है कि उनको जो भी जरूरतें होंगी वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। निषेध, आपने जब बात किया तो ब्लैक फंगस पे जब आपने चर्चा की, तो उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा? बिल्कुल, देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर के दो अभी महामारी बिहार में, एक तो कोरोना और दूसरी और ब्लैक फंगस, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार पूरी प्लानिंग कर चुकी है, और पटना एम्स, IGIMS, NMCH में इलाज चल रहा है। फिलहाल राज्य में करीब 400 मरीज हैं और उनका ठीक ढंग से इलाज हो रहा है। इम्फेरोटेरिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है जो कि ब्लैक फंगस के रोगियों को दिया जा रहा है, और काफ़ी महंगा भी है वो इंजेक्शन। मंगल पांडे ने खुद बताया कि 3 से 5 लाख तक का वो इंजेक्शन आ रहा है, और राज्य में वो इंजेक्शन उपलब्ध है सभी सरकारी अस्पतालों में, और उन मरीजों को फ्री में दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, चाहे वो कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो, लड़ने के लिए पूरी तैयारी हो रही है, और अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा इस बात को।
बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री इस बात को खुद जिक्र किया है और इस दौरान उन्होंने सारी तैयारियों को पूरी करने की बात की है। चलिए एक बार जरा सा स्वास्थ्य मंत्री को सुन लेते हैं कि आखिर में स्वास्थ्य मंत्री ने जब हमारे सहयोगी निषेध से बातचीत की तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और अपने बयान में वो कितने संतुष्ट दिखे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ब्लैक फंगस को लेकर पूरी तैयारी की गई इलाज को के संदर्भ में आज से कुछ दिन पूर्व जब ब्लैक फंगस के मामले प्रतिवेदित होने शुरू हुए तो पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जिसने मरीजों को एम्फोटेरिसिन दवा उपलब्ध करवाई। कल से सभी को टीका मिलेगा। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ये जो दावा कर रहे हैं, हालांकि वो दावा कितना सत्य होता है और अगर वैक्सीन आ जाती है तो क्या कल से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो पिछले कई मतलब कह सकते हैं कि एक सप्ताह से अधिक दिनों से बंद पड़ी है, शायद वो शुरू हो जाए। लेकिन ऐसे में अब बात करते हैं कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा। ये बात शायद आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में कैसे। दरअसल अभी टेस्ट चल रहा है और टेस्ट जो है वो पटना में चल रहा है, एम्स अस्पताल में। पूरी जानकारी हमारे साथ हमारी सहयोगी निभा देंगी। निभा, क्या कुछ जानकारी है, छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगेगा? जी बिल्कुल, सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं और सभी जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा था निर्भय कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन कब दिया जाएगा, यानी कि वैक्सीन कब लगेगा। तो अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि पटना एम्स में इसका ट्रायल शुरू हो गया। मंगलवार को 3 बच्चों का ट्रायल हुआ है। इसमें पेरेंट्स पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, यानी कि अपने बच्चों को ट्रायल के लिए ले जा रहे हैं और इसमें को किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। हम आपको बता दें कि 3 बच्चों का ट्रायल हुआ है और 3 बच्चों में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, यानी कि सभी फिलहाल अभी सही हैं। इसके अलावा 100 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। जो भी बच्चों का जो ट्रायल हो रहा था उससे पहले उसका एंटीबॉडी को जांच किया गया। उसके अलावा हम आपको बता दें कि 3 भाग में बच्चों को बांटा जाएगा और उस हिसाब से उनका जो वैक्सीनेशन ट्रायल है वो लिया जाएगा। 2 से 5 साल के बच्चों को और 6 से 12 साल और 12 से 18 साल 3 भाग में इस तरह से बच्चों को बात करके वैक्सीनेशन का जो ट्रायल है वो हो रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि कल पहला ट्रायल हुआ है। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ ट्रायल होगा और कितना ये सक्सेसफुल होगा। निर्भय, अगर सक्सेसफुल हुआ तो जो बिहार के बच्चे हैं उन सभी का वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा और सभी फिलहाल अभी कोरोना से अभी ये है थोड़ा, तो आप समझ सकते हैं, तो वैक्सीनेशन होगा तो ये बहुत सही रहेगा फिलहाल बिहार में अभी बच्चों के लिए। बिल्कुल, तो अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है जिसमें ट्रायल चल रहा है अगर वो ट्रायल सफल हो गया तो फिर ये बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि भारत बायोटेक है, यानी कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको लेकर के ट्रायल चल रहा है और इसमें से अब ट्रायल की अगर प्रक्रिया पूरी हो जाती है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ट्रायल हो रहा है, तो ऐसे में अगर ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द 2 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको भी कोरोना का टीका दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल किस तरीके के रिपोर्ट आते हैं, क्योंकि 3 बच्चों के साथ जो अभी तक ट्रायल की पहली जो डोज दी गई है बच्चों को और 28 दिनों के बाद फिर इन बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा जो कि दूसरा डोज होगा, उसके बाद पूरी स्थितियों पर लगातार नजरें बनाई गई है। हालांकि इन सबके बीच में एक समस्या लगातार खड़ी हुई, यास तूफान के इस दरमियान में जब बारिश लगातार हुई तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हुई और उसका कारण रहा कि ज्यादातर प्रचार जो होना चाहिए, जागरूकता के लिए जो प्रचार होना चाहिए वो नहीं हुआ और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कम हो गई, जिसका कारण रहा कि सिर्फ राजधानी पटना या उसके आसपास के इलाके के ही लोग जुड़ पाए हैं, बाकी अन्य जो जिले हैं उस जिलों से लोग नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे में एम्स अस्पताल ने 100 बच्चों का लक्ष्य रखा है और इसके लिए बजाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है और फोन नंबर पर भी अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन ट्रायल के बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या बच्चों को वैक्सीन लगेगा। लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे, जहां एक तरफ कोरोना की स्थितियां परेशान कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ देश में संक्रमण की रफ्तार अब थमती हुई नजर आ रही है। पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन। ऋतिक, क्या लग रहा है, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो अब थमने लगे हैं? बिल्कुल, कोरोना के अगर आंकड़े हम देखें तो जिस तरीके से कमी आ रही है, दिन ब दिन हम बता रहे हैं कि कमी देखी जा रही है, लेकिन जो
परेशानी वाली बात है वो है मौत का आंकड़ा, क्योंकि लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम देखें, बिल्कुल इजाफा की बात करें, इजाफा नहीं हुआ, थोड़ी सी कमियां दिख रही है। अगर आप बात करें तो इससे पहले अभी 24 घंटे के जो पास हमारे मामले आए उसमें 3,207 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 3,128 लोगों की जान गई थी, तो जाहिर सी बात है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मामले देखें तो पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो 1,32,788 मामले आए हैं और इससे पहले 1,52,000 था। तो जाहिर सी बात है कि हमने मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन वही बात है कि लगातार लोग जो कह रहे हैं कि मरने वालों की जो स्थिति है वो भयावह स्थिति है और पैदा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सवाल यही उठ रहे हैं कि इलाज का अभाव क्यों है। तीसरी लहर में हम प्रवेश करने वाले हैं और दूसरा लहर जिस तरीके से उसने तबाही मचाई है, और तीसरी लहर में अगर इस तरह की बात होगी तो फिर आखिर कैसे, अगर स्थितियां कैसे संभलेगी। और बात करें अगर इसमें तो 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों का भी आंकड़ा बेहद देखने लायक है, क्योंकि 2,00,000 से ऊपर के जो मरीज है वो ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, उन्होंने कोरोना को मात भी दी है। तो लगातार ये वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन निर्भय बात वही कि मौत का आंकड़ा आखिर जो बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है। बिल्कुल, आखिर में मौत के आंकड़े को लेकर के चर्चा की जाए तो उत्कर्ष क्या लगता है, माफ कीजिएगा ऋतिक, क्या लगता है मौत के आंकड़ों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इन समस्याओं के पीछे का कारण क्या है, क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए आंकड़े बढ़ तो रहे हैं और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि कम हो रहे हैं, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है वो स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे खोलता है। अगर हम बात करते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, धरातल पर वो दिख रहा है, लोगों की जो जान है वो जा तो रही है लेकिन हम बार बार काम कर रहे हैं और इस जो डेथ रेशियो है उसको रोकने के लिए हम दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं, पर वो देखने को नहीं मिल रहा है। निर्भय अगर हम देखें तो जिस तरीके से अब मामले लगातार कम होते जा रहे हैं ये देखने वाली बात है। पर बात अगर करें तो मरने वालों का आंकड़ा है और बिहार में भी अब आप देखिए तो बिहार में भी 100 के नीचे है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि जो बिहार में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार कम हुई है वो अगर बात कर ले उसमें तो 24 घंटे में करीबन 1,174 मामले सामने आए हैं और उसके बाद मरने वालों की संख्या अगर आप देखें तो करीबन 90 से भी कम है। रेशियो की बात करें हेल्थ रेशियो की तो वो ऊपर बहुत सही तरीके से गया है, 96 के आसपास हमारा हेल्थ रेशियो है जो कि बिल्कुल ठीक हुआ है और ये देखने वाली बात है। लेकिन जो मरने वालों का बार बार आंकड़ा है वो हमें जो है बिल्कुल डरने वाली बात है, इसको समझना होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय को समझना होगा। लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है, आप देखिए अब वैक्सीन 2 से 18 के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है, तीसरी लहर आरंभ होने वाली है, तीसरी लहर इन करने वाली है और इस बीच में बच्चों के लिए खतरनाक होने वाला, अगर ऐसे में हम डेथ रेशियो को नहीं कम कर पाएंगे तो आने वाला वक्त काल मचाएगा। और एक बात और अगर मैं बताऊं निर्भय, तो आप देखिए जैसे बिहार में अब लॉकडाउन पार्ट 4 का आज से आगाज हुआ, 2 तारीख से 8 तारीख तक ये लॉकडाउन पार्ट 4 लगा रहेगा, पर आप रोड की स्थिति देखिए, सड़क पे लोग इस तरह निकले हैं जैसा कि सहयोगियों ने हमारे बताया कि अनलॉक जैसा अनुभव आप देखेंगे कि रोड पे इस तरह का माहौल है। जो बड़े से बड़े व्यापारी हो चाहे छोटे व्यापारी हो जो रोड के साइड दुकान लगा के अपना जीविका चलाते हैं वो भी अब निर्भीक होकर काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि रियायत दी गई है, रियायत में मजे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें अपने आप को नहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रियायत जो दी गई है उस रियायत का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में प्रशासन की जो कमियां है वो भी देखने को मिली। और अब जो आदेश आ गए हैं कि अगर आप पुलिसकर्मी हैं और अपने ड्यूटी के दौरान अगर काम कर रहे हैं तो आपको फोन नहीं इस्तेमाल करना है, और खुद इसके लिए डीजीपी ने एक आदेश जारी किया और आदेश जो है वो पूरे प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भेज दिया गया है, काम करते हुए अगर आप पकड़े गए तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आज के दिन भर के तमाम बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही, और मेरे साथ मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।